हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी साइड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। लॉकडाउन का समय है, सभी अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और सभी सदस्य अपने अपने घर पर होंगे। तो आइए आज हम बनाते हैं, सिंपल सी रेसिपी है और सिंपल सी सब्जी है। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी यानी कैबेज, कैबेज की सब्जी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ चॉपिंग में जो भी टाइम जाता है हमारा चॉपिंग में ही जाता है। तो पहले हम इसको चॉप करेंगे और फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। चॉप करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये हाफ के जी कैबेज है, क्योंकि कैबेज क्या होता है कि जब ये इसको सोते करते हैं तो ये बहुत कम हो जाता है क्वांटिटी में। इसके लिए हाफ के जी हमने कैबेज लिया है और 2 हमने अनियन लिए हैं। अनियन को हम स्लाइसेस में काट लेंगे, बारीक बारीक स्लाइसेस। और आलू को भी हम चॉप कर लेंगे, छोटे छोटे पीसीज में हम आलू को भी काट लेंगे। और ये हमारे पास 2 टमाटो हैं, टमाटो को भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। और 4 हमारे पास ग्रीन चिल्ली हैं, इनको भी हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। ये चॉपिंग का सामान हमारे पास रेडी है, इसको हम चॉप करेंगे। और दूसरा जो इसमें मसाले लगते हैं वो रेगुलर ही मसाले हैं, नमक मिर्च हल्दी यही सब मसाले इसमें डालते हैं, कोई ऐसा मसाला ऐड ऑन नहीं होता है। तो आइए हम लोग इसको पहले चॉप करते हैं, फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अभी आधा सामान चॉप कर लिया है और अभी हम जो है कैबेज को चॉप कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी हेल्दी साइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपको न्यू से न्यू रेसिपीज हेल्दी साइड पे मिलती रहेगी और हेल्थ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। देखिए, हमारा पूरा सामान चॉप किया हुआ रेडी है, जो भी हमको कैबेज बनाने के लिए चाहिए। हमने ये पूरी चॉपिंग हाथ से की है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं चॉपिंग करने के लिए, तो आप उनसे भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हाथ से भी आप चॉप कर सकते हो। ये पूरा हमारा मटेरियल हाथ से चॉप किया हुआ है और अभी हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज़ पहले सोते करनी है, सोते करते करते हमारी कैबेज बन जाएगी। देखिए, हमने सर्विंग स्पून से 2 सर्विंग स्पून ऑयल डाला है इसमें, ये देखिए। अभी ये हमारा घी गरम हो जाएगा तो अभी हम इसमें जीरा डालेंगे। ये देखिए, हमने इसमें जीरा डाल दिया है। अभी हम इसमें हींग डालेंगे, ये देखिए इसमें हमने 2 पिंच हींग डाला है। अभी हम इसमें अनियन डालेंगे, क्योंकि हमारा जीरा भुनकर रेडी हो चुका है तो इसमें हम अनियन डाल देंगे। अभी अनियन जब तक ये ब्राउन नहीं होगा तब तक हम इसमें टोमेटो ऐड नहीं करेंगे। अनियन को पूरा ब्राउन हो जाने दें, उसके बाद ही इसमें टोमेटो ऐड करें। ये देखिए, अभी हमारा अनियन सोते हो रहा है, देखते ही देखते इसका कलर बदल जाएगा, ये ब्राउन हो जाएगा लाइक भूरे रंग का। ये देखिए, हमारा प्याज भुनकर रेडी है, इसका कलर देखिए ब्राउन हो चुका है यानी लाइट भूरे रंग का प्याज। ये देखिए, अभी हम इसमें टोमेटो ऐड कर देंगे। टोमेटो भुनने में ऑलमोस्ट यानी सोते होने में 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमको धीमी आंच पे ही इसको सोते करना है। फुल आंच पे करेंगे तो पूरा नीचे से जल जाएगा। ये देखिए, अभी ये सोते हो रहा है। अभी देखिए, हमारा ये भुनकर रेडी है, टोमेटो और अनियन दोनों चीज सोते होकर रेडी हो गए हैं। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड किया है और 1 टीस्पून रेड चिल्ली, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। कुछ ही मसाले हमको इसको बनाने के लिए चाहिए होते हैं। ये देखिए, हमने अभी सारे मसाले ऐड किए हैं इसमें। ये देखिए, अभी इसका कलर ये हो चुका है। ये देखिए, अभी हम इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड कर देंगे, जो हमने पहले से ही काट के रखा हुआ था, जब हमने सारा चॉपिंग किया था आपको बताया था, वो हमने इसमें ऐड किया है। ये देखिए, अभी हम इसमें
पत्ता गोभी ऐड करेंगे। अभी ये देखिए पूरा पत्ता गोभी हमारा ये कटा हुआ रेडी है, हम इसको इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे इसमें ऐड करते जाइए, ये देखिए, और साथ साथ उसको ये चलाते जाइए अच्छे से ताकि मसाला मिक्स हो जाए इसमें। ये देखिए धीरे धीरे करके हम पूरी पत्ता गोभी इसमें ऐड कर देंगे। पत्ता गोभी ऐड करने के बाद हम इसको 2 मिनट तक सोते करेंगे। जैसे हमने मसाला किया है टमाटर प्याज, वैसे ही हम इसको भी सोते करेंगे। ये देखिए फिर उसके बाद हम उसमें आलू ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी भुनकर रेडी है, यानी सोते होकर रेडी है। ये देखिए अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम पहले ऐड नहीं करते क्योंकि इसमें से जो भी पानी होता है वो निकलना होता है और वो पानी सूखना होता है। तो अभी पानी निकल चुका है, अभी हमने नमक ऐड किया है। नमक आप स्वाद अनुसार उसमें ऐड करें। अभी हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। ये देखिए ये हमने इसमें आलू ऐड किया है। आलू ऐड कर हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स किया इसको। ये देखिए आपको कलर दिख ही रहा होगा खाने में कितना टेस्टी होगा ये। अब हम इसको ढकने के बाद 5 मिनट तक सिम पे बनाएंगे। सिम यानी धीमी आंच पे हमको इसको बनाना है और इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करते हैं तो क्यों वो स्टिकी स्टिकी सब्जी हो जाता है, वो स्टिकी स्टिकी फिर टेस्टी नहीं लगता। कई लोगों को स्टिकी पसंद है, जिनको स्टिकी पसंद है वो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। हम इसको सिम पे ऐसे ही ढकने के बाद बनाएंगे। ये देखिए हमने अभी इसको ढक दिया है, गैस हमारा धीमी है यानी सिम है। हम इसको अब 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। अभी हम सब्जी को चेक करते हैं कि बनकर रेडी हुई है या नहीं। वैसे तो बनकर रेडी हो गई है क्योंकि 5 मिनट्स का टाइम हम लोग दे चुके हैं उसको बनने के लिए, कि हम लोग चेक कर लेते हैं। हम इसको चेक करने के लिए इसमें जो आलू है उसको दबाकर देखेंगे कि गला है या नहीं। अगर आलू गल चुका है तो समझ लीजिए सब्जी हमारी बनकर रेडी है। ये देखिए आलू हमारा टूट चुका है तो हमारी सब्जी बनकर रेडी है। देखिए खिली खिली सब्जी, आप इसको किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे परोठा हो गया, पूड़ी हो गया, या फिर नान हो गया, बटर नान हो गया, आप किसी के भी साथ इसको ड्राई सब्जी है आप इसको सर्व करें। तो आइए अभी हम इसको सर्व करते हैं और सर्विंग प्लेट रेडी करते हैं। ये देखिए हमारी सर्विंग प्लेट रेडी है। आप इसको पूड़ी, चपाती, परोठा, नान, बटर नान, लच्छा पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर दाल, राइस और एक ड्राई सब्जी साथ में सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी है और खिली खिली है। और आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, एक न्यू रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।